वो चमकीला वो गाने बजाने वाले और वो मैं कर सकता। क्या अमर सिंह चमकीला की मौत एक मर्डर थी? 8 मार्च 1988 को दोपहर 2 बजे पंजाब के एक छोटे से गांव मैसमपुर में एक कार को रोका जाता है। कार से जब चमकीला और उनकी सेकंड वाइफ अमरजोत कौर निकलते हैं तो उन पर कई राउंड्स फायर होते हैं। मोटरसाइकिल्स पर बैठे कुछ लोग बेरहमी से उन पर गोलियां चलाते हैं जिसमें चमकीला और उनकी वाइफ के अलावा दो और लोगों की डेथ हो जाती है। अपनी डेथ के टाइम चमकीला सिर्फ 27 साल के थे एंड ऑलरेडी पंजाब के टॉप सिंगर्स में आते। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि 1980s पंजाब में मिलिटेंसी का टाइम था एंड कई रिपोर्ट्स का मानना है कि उन पर ये अटैक खाड़कू सिखों ने करवाया था क्योंकि उन्हें चमकीला के वल्गर सॉन्ग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आज 36 इयर्स बाद भी इस मर्डर को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, ना कोई अरेस्ट हुए हैं एंड ना ही पुलिस के पास किसी स्पेसिफिक सस्पेक्ट के अगेंस्ट कोई एविडेंस है। अब ऐसी ही सेम ट्रेजेडी रिसेंटली हुई थी पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ। आपको क्या लगता है कि सिंगर्स पर ऐसे अटैक क्यों हो रहे हैं?